वाह मोदी जी वाह, क्या डिसीजन लिया है, राइट? यू हैव टेकन अ राइट डिसीजन एट राइट टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर टेकिंग द राइट डिसीजन। सर आपके जैसा लीडर ना इस देश को मिला है ना इस दुनिया को। सही डिसीजन लेने में ना किसी से आप डरे हैं और ना किसी को आपने पूछा है। यस, सैल्यूट टू यू सर। दोस्तों, मोदी जी का ये बड़ा डिसीजन ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये ध्यानचंद जी के नाम करके उन्होंने एक इतना बड़ा सम्मान किया है उस लीजेंड को जिसने अपने देश का नाम ओलंपिक्स में हमेशा ऊंचा रखा। हाँ दोस्तों, ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद ने 3 बार हमारे भारत को ओलंपिक्स गोल्ड मेडल हॉकी टीम में दिलाया है, राइट? 1928, 1932 और 1936। और इन ओलंपिक्स गेम में वो टोटल 12 मैच खेले हैं। 12 मैच में उन्होंने 33 गोल्स किए हैं। वन ऑफ द सुपरस्टार इंडिया हैज एवर फाउंड इन द वर्ल्ड ऑफ हॉकी। यस फ्रेंड्स, राइट? ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, ही वाज पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी। उनका टैलेंट तब पता चला जब इंडियन टीम न्यूजीलैंड के दौरे पे गई और उन्होंने एक अद्भुत गोल करके दिखाया। हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उनका जो खेलने का तरीका इस कदर प्रभावित किया, पूरा स्टेडियम भारत के नाम पे जय जयकार करते थे। ध्यानचंद वो खिलाड़ी थे कि उनका स्टिक देखते ही बॉल अपने आप उनके स्टिक से आकर चिपक जाता था। यस, आप नहीं मानोगे, वो अपने बॉल को अपने स्टिक के पास इस कदर रखते थे कि सामने वाले खिलाड़ी को मौका ही नहीं मिलता था और गोल तक लेके जाकर गोल करते थे, राइट? देखिए ना, 12 मैचेस में 33 गोल्स, राइट? और इसी तरह जब वो वर्ल्ड टूर पे निकले तो 128 गोल्स किए उन्होंने, और टोटल अगर उनके कैरियर में देखो तो मोर देन 500 गोल्स ही स्कोर, एंड दैट वाज द मैजिशियन। हाँ, दुनिया उनको मैजिशियन कहते थे, जादूगर ऑफ हॉकी। इनके जो स्टिक वाला जो जादू था, ये देखकर इवन हिटलर ने भी डाउट किया था। दुनिया वालों ने उनका स्टिक तोड़ के भी देखा कि कहीं इसने चुंबक तो नहीं लगाया। दैट वाज द मैजिशियन मेजर ध्यानचंद। 1936 में ध्यानचंद हमारे इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन थे। उन्होंने ओलंपिक्स के फाइनल जर्मन के सामने और जर्मनी में ही जर्मन को 8-1 से हराया, और उस 8 गोल में भी ध्यानचंद ने 3 गोल किए थे। ये देखकर चौंक गए थे इवन हिटलर भी। हिटलर ने उनको पर्सनली बुलाया और ऑफर तक किया उनको कर्नल बनाने का, लेकिन ध्यानचंद का एक ही जवाब था, क्या? भारत बिकाऊ नहीं है। यस, दैट्स द पैट्रियोटिज्म ऑफ मेजर ध्यानचंद। दोस्तों, अब आप बताइए कि ऐसे शूरवीर, ऐसे सुपरस्टार हॉकी प्लेयर को खेल रत्न अवार्ड मान्य रखता है कि नहीं? यस, देन कमेंट बॉक्स में लिखें। और मोदी जी, आपने स्पोर्ट्स के लिए काफी किया है, वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू। 1928 से अगर हम 8 बार गोल्ड मेडल जीत सके, आज हम वो पोजीशन क्यों हासिल? एक टाइम ऐसा था, सामने वाली टीम कोई भी हो, हमारे इंडियन टीम के सामने खेलने से डरती थी। क्यों? उनके मैदान में उनका मॉरल टूट जाता था कि ये तो इनका नेशनल गेम है और ये कुछ भी कर लेंगे इस गेम को जीतने के लिए। यस, दैट वाज द जुनून विद आवर इंडियन प्लेयर्स। वो जुनून कहां हो गया है? क्या लगता है आपको, ऐसे ध्यानचंद हमारे भारत में अभी नहीं? अगर उस वक्त, राइट, जब हमारे पॉपुलेशन 100 करोड़ के नीचे थी, अगर तब हमें ध्यानचंद मिल सकता है, तो आज 138 करोड़ में से ध्यानचंद नहीं मिले। हमने खोजना छोड़ दिया है, हमने उनको परखना छोड़ दिया शायद। और मुझे यकीन है कि मोदी जी बहुत सारे ध्यानचंद को बाहर लाएंगे, राइट? सो थैंक यू मोदी जी वंस अगेन, थैंक यू फॉर योर राइट डिसीजन एट राइट टाइम। सी यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, right? Keep motivating us by sharing and subscribing so that we keep on giving videos like this. Okay, thank you very much. Have a nice day.